हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने वीवो के फ़ोन में जो स्क्रीन टाइमर प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर स्क्रीन टाइमर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको करना है, जो हमारे पास वीवो का फ़ोन है, जो वीवो के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है उस मोबाइल सेटिंग्स को हमें ओपन करना है। मोबाइल सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। कैसे मोबाइल सेटिंग्स को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पे शो होता होगा। तो क्या सिंपली हमको क्या करना है, इस हमको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको शो होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो क्या सिंपली डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कहीं से आपको सिंपली जो फिफ्थ ऑप्शन शो होता है स्क्रीन टाइम आउट को, तो सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कहीं से आप यहाँ से जो स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना है, इस पर मैं जैसे कहीं हमारे 15 सेकंड्स पर सिलेक्ट है, तो ये सिंपली आपको इसे 10 या 30 मिनट्स पर कर देता है। 10 या 30 मिनट्स पर करने से कहीं से आपका जो स्क्रीन टाइम आउट प्रॉब्लम होगी, जो आपकी जो स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। और गाइस, इस तरीके से इसके स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो के फ़ोन में। तो गाइस, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।